मैं बुजुर्गों को कहना चाहूंगा, भले ही दुख रहा हो शरीर, लेकिन बहू से कभी पाम मत दबाना। हमने ग्रंथों में पढ़ा है, लाखों गायों का भी गोदान किया होगा तो पुण्य छीण हो जाएंगे, पाम मत दबाना उनसे। पाव हां, बहू की सेवा सासू मां के लिए और बेटे की सेवा अपने पिता के लिए ये कीजिए, वृद्धों के लिए आनंद होगा, कमाल हो जाएगा। वृद्धों का ध्यान रखिए, उनका खान पान का उनको ध्यान रखिए, मन होता है उनका खाने का, पहले उन्होंने खूब खाया है तो उनकी सरप चलती है, सर्दी का समय ध्यान रखो उनका, क्यों ना रखो, जरूर रखो। हम आपके नगर में आए हैं, आप हमारा इतना ध्यान, कोई आता है महाराज ये ले लेना, ये खा लेना, ये खा लेना, मैं तो आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, मंदिर के भगवान से भी ज्यादा ध्यान आप अपने वृद्धों का रखोगे तो भगवान श्रीनाथ का 56 भोग रोज लग रहा होगा बिना लगाए हुए, समझ लो। बूढ़े दादा लोग तो बड़े खुश हो रहे हैं, सोच रहे हैं आज बहू को ले आते तो बहुत अच्छा होता, कल ले आना द्वारा बोल देंगे। इसलिए तो मैं कहता हूं बहुओं को कथा में लाओ, कोई घाटा नहीं होगा इस कथा में उनको, यहां सबको खुराक दी जाती है। हमारी तो बहनें बदल गई हैं, लड़ाकू बिल्कुल एकदम बदल गई, बिल्कुल तवे के तरह गरम, वो बर्फ से भी ज्यादा ठंडी हो गई हैं। उनके लिए ताली तो बजा लो एक बार। तो छंटकनी सी डुकरिया बाके मुंह में मक्खन को लौंदा पेट में भीतर, नाच परी। आज ब्रज में उत्सव 84 कली को लहंगो पहर पहर के सिंह नाचे। नंद बाबा के दरवाजे पर भीड़ लगी हुई थी, नंद बाबा ने बहुत ज्यादा दान दिया, कहीं कोई किसी भी प्रकार की कमी नहीं, इधर तो ये हो रहा था। और उधर जैसे ही वो लली देव की मैया की गोद में आई तो बाने तो रोए वो शुरू कर दो, बहिरंत पुर द्वार सर्वा पूर्व व्रता ततो बाल ध्वनिम स्वत्मा गृह पाला समुत्थिता। उसकी रुदन की आवाज सुनी और रोने की आवाज सुनते ही वो द्वारपाल खड़े हो गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान आए तो ये सो गए थे, परमात्मा आता है तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के द्वारपाल धराशायी हो जाते हैं।